गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई होप यू हैव वॉच द वीडियो दैट आई हैव सेंट यू हेयर आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सम वर्ड दैट केम इन द पोएम सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉट एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट अ पर्सन हु कैन ट्रेवल इन स्पेस एस्ट्रोनॉट वो पर्सन होता है जो स्पेस में ट्रेवल करता है एंड हाउ डज ही गोज टू अ स्पेस he goes to a space with the help of in a spaceship he goes to a space in a spaceship और spaceship वो vehicle होता है जो उसको astronaut को space पे लेके जाता है तो here the meaning of astronaut is a person who can travel in space second is special and what is the meaning of word special the meaning of special is better or different from the usual or common thing कोई भी थिंग जो सबसे डिफरेंट है और बेटर है उसको हम कहते हैं स्पेशल फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि यू आर माय स्पेशल फ्रेंड स्पेशल मतलब सबसे स्पेशल सबसे बेस्ट फ्रेंड ठीक है सबसे जो अलग है सबसे बेटर है वो है स्पेशल ओके और इसी तरह वी कैन ऑल्सो से डैट दिस इज़ अ स्पेशल प्लेस ये जो प्लेस है ये बहुत स्पेशल प्लेस है यानी कि ये प्लेस जो है सबसे डिफरेंट है और सबसे बेटर है So here the meaning of special is better or different from the usual or common thing. Next word is spaceship. So the meaning of spaceship is a vehicle used for travel in space or a spacecraft. वो vehicle जो astronaut space में जाने के लिए use करते हैं उसको हम कहते हैं spaceship. ठीक है For example, we can say that astronaut goes to a space in a spaceship. ठीक है जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेसशिप में जाते हैं हम जो हैं अगर हमें कहीं जाना हो तो वी यूज़ द व्हीकल्स लाइक स्कूटर बस और एक्सेट्रा इसी तरह एस्ट्रोनॉट भी व्हीकल का यूज़ करते हैं और तो वो व्हीकल होता है स्पेस शिप सो हियर द मीनिंग ऑफ स्पेस शिप इज व्हीकल यूज फॉर ट्रेवल इन स्पेस नेक्स्ट लास्ट वर्ड इज वेटलेस वेटलेस का मीनिंग इज लाइट वेट सो लाइट वेट का मतलब है कि हल्का फॉर एग्ज़ाम्पल शी फ्लोटेड इन अ पूल वेटलेस वो पूल में गई और उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही हल्की होगी वेटलेस होगी होता है ना जैसे हम वाटर में जाते हैं स्विमिंग करते हैं तो बॉडी वेटलेस हो जाती है हल्की हो जाती है इसी तरह जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वैन दे गोज टू स्पेस तो उनकी जो बॉडी होती है वो वेटलेस हो जाती है सो हेयर द मीनिंग ऑफ वेटलेस इज लाइट वेट नाउ वी हैव डन द वर्ड मीनिंग्स Now what you have to do, you will recite the poem with action and expression and learn it. Okay, you will watch the video, you will understand the poem and learn it with the expression and actions. And in homework, what you have to do, draw the picture of an imaginary planet on which you want to go. आपने एक प्लैनेट की पिक्चर बनानी है जहाँ पे आप जाना चाहते हो वो प्लैनेट जैसा भी आपकी इमेजिनेशन में है आप उसको बनाइए ओके और ये जितने भी सारे वर्ड मीनिंग है यू हैव टू लर्न अलोंग विद पोएम थैंक यू हैव अ नाइस डे